हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? कब जल्दी से ये लॉकडाउन ख़त्म होगा? मेड कब आएगी? पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और मेड कब से आएगी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सारा काम हम लोग को खुद से ही करना पड़ रहा है। अभी मेड नहीं आ रही है। पता नहीं ऐसे कितने दिनों तक चलेगा। और अभी मेड को घर में आने देना भी सही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो मकड़े की जाली को हटाने के लिए है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और ये साइज़ में छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये प्लास्टिक का है ऊपर में और इसको ये गंदा हो जाता है, इसे हम लोग वॉश भी कर सकते हैं। और इससे जैसे जो डिज़ाइन या जो भी कुछ रहते हैं ना, वो सारे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। और दीवार में जैसे मकड़े का जाल निकालते वक्त, ये देखिए ये ऐसे साइज़ छोटा बड़ा भी होता है, और मकड़े के जाल निकालते वक्त दीवार में जो ब्लैक ब्लैक कभी कभी काला काला जैसा हो जाता है, तो इसको यूज़ करने से ना वो ब्लैक ब्लैक जैसा नहीं होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन कर देता है। बहुत अच्छे तरीके से मकड़े की जाल हट जाती है इसे, और बिल्कुल भी दीवार काला नहीं होता है। या फिर थोड़े बहुत जो डस्ट वगैरह कहीं भी रहते हैं ना, इन सब पे बैठे अगर रहते हैं, तो वो सब अच्छे तरीके से इसे साफ़ हो जाते हैं। और ये प्लास्टिक का है तो इसे ये ऊपर से ब्लू कलर का जो ऊपर में है वो निकल भी जाता है बाहर, और इसे हम लोग निकाल करके वॉश भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। घरों में आदमी से ज़्यादा छिपकलियाँ और मकड़े की जालें दिखती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन देखिएगा तो मकड़े की जाल लगी रहती है, तो निकालना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं निकालो तो फिर ये और ज़्यादा हो जाती है, तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पर मैंने मकड़े की जालें हटा दी है, डस्टिंग भी कर दिया। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे का घर है तो बच्चे का घर गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और नाश्ता करूँगी अभी मैं। ये है, उसके बाद से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। और शाम हो चुकी है, मैं टेरेस पर आई हूँ पीहू को लेकर, और पीहू डाल रही है सारे प्लांट्स में पानी डाल रही है, क्योंकि शाम में लॉकडाउन है तो थोड़ा देर हम लोग टेरेस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। और यहाँ पर कहीं बच्चों को बाहर नहीं लेकर जाना है, तो मैं उसे टेरेस पर ही थोड़ा देर घुमा देती हूँ। और ये मुझे परेशान करिए कि मम्मा मेरे साथ खेलो, मम्मा मेरे साथ खेलो, बार बार मुझे परेशान करिए कि मम्मा मुझे पकड़ा पकड़ी खेलना है, प्लीज़ खेलो मेरे साथ खेलो। ज़बरदस्ती करने लगी तो मुझे उसके साथ थोड़ी देर खेलना ही पड़ा, वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। लेकिन उसका मन रहता है कि मैं उसके साथ कंटिन्यू बिल्कुल खेलती ही रहूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैंने थोड़ी देर उसके साथ खेला लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। फिर वो मम्मी को परेशान करने लगी कि मम्मी आप मेरे साथ खेलिए। वो पहले मेरे को तंग करने लगी, उसके बाद मम्मी के साथ, फिर वो मम्मी के साथ उसने थोड़ी देर खेला, फिर उसने मम्मी को बोला मम्मी आप ही खेलिए, आप ही खेलिए। तो वही बच्चे हैं ना। और अभी देखिए उसने अपने बाल का रबर बैंड को बाहर निकाल के फेंक दिया था, इतनी बदमाशी कर रही थी वो। अपने बाल का रबर बैंड निकाल के फेंक दिया था, मैं उसको बोल रही थी कि आओ मैं तुम्हारी रबर बैंड लगा दूँ, मगर वो लगा नहीं रही थी, वो भाग रही थी इधर उधर। ये देखिए अब मेरा टर्न हो गया, अब ये मम्मी को परेशान कर रही है कि मम्मी आप मेरे साथ खेलिए, आप मेरे साथ खेलिए। अब मम्मी के पीछे लगी हुई है, इसको ना कंटिन्यू किसी ना किसी के साथ खेलना है। यहाँ पर जो ये जो लकड़ी का रखा हुआ, ये जब घर में जब लकड़ी का काम हो रहा था ना, वुडवर्क जब घर में हो रहा था, तो जो कारपेंटर थे वो इसी पे रख कर अपना जो भी काम था वो करता था। तब से वो छत, जब से काम खत्म हुआ ये छत पर ही इसी तरीके से रखा हुआ है तब से। वो बारिश की वजह से ये पूरा ख़राब भी हो गया, बारिश में भींग के रहता है तो। और फिर हम लोग भी उसको नहीं हटाए क्योंकि ऐसे ही तब से पड़ा हुआ है। और फिर दे देंगे ठंडी के दिन में, दे देंगे कोई, जैसे कोई गरीब आदमी है तो वो इसे लकड़ी वगैरह जला करके कुछ काम कर लेगा। अब मम्मी का टाइम है, मम्मी खेल रही है, क्या करें, जब बच्चों को बाहर नहीं भेजना तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और बादल इतना खूबसूरत लग रहा था, आसमान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मेरे घर में ये रेंटर हैं, और उनके साथ ये भी पीहू आई थी तो ये भी आ गए, और ये उनके साथ खेल रहे हैं। पीहू को मज़ा आ रहा था कि चलो कोई तो उसको मिल गया, हम लोग को भी लगा कि चलो कोई तो है जो पीहू जिसके साथ खेल रही है।
और हमें परेशान नहीं कर रही है। तो पीहू थोड़ी देर इसके साथ खेली और इसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। और अब हो चुकी है रात और यहाँ पर मम्मी पीहू को पढ़ा रही हैं। बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है और इसलिए अब वो पीहू जल्दी बैठना नहीं चाहती है पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही आदत लगानी चाहिए पढ़ने की। तो मम्मी यहाँ पर पढ़ा रही थी पीहू को और ये बदमाशी भी बहुत करती है, बहुत परेशान करती है। मुझे पढ़ाने से ज़्यादा लगता है कि मम्मी आप इसको पढ़ाओ, मैं बना देती हूँ कुछ, क्योंकि पीहू को पढ़ाने में मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने में। और आज मैं बना रही हूँ आज का डिनर। तो ये देखिए डिनर में क्या बन रहा है। आज बन रही है पनीर की सब्जी, क्योंकि पीहू को पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरह की पनीर की सब्जी की रेसिपी मैंने लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन भी जाती है इस टाइप की सब्जी और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। सब्जी रेडी हो गई है और यहाँ पर मम्मी ने कटहल की सब्जी बनाई है। तो आज दो तरह की सब्जी है, कटहल की सब्जी, आलू और कटहल की सब्जी, इस तरह से कट करके बनाया गया है, और पनीर की सब्जी है। और पीहू को पूड़ियाँ खानी है, तो पीहू को पूड़ियाँ खानी है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी पूड़ी खा लेती हूँ आज। तो इसलिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। मैं सिर्फ अभी मम्मी के लिए, मम्मी ने बोला कि अभी मम्मी को नहीं खाना है, तो मैं बस अपने लिए और पीहू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ घर में गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडी पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा 5-6 ही पूड़ियाँ बनानी थी, तो मैं पहले सारी पूड़ियों को बेल कर रख ले रही हूँ, उसके बाद एक साथ ही मैं उसे निकाल दूंगी। तो मैं यहाँ पर पूड़ियाँ भी निकाल ले रही हूँ साथ साथ में, और पीहू को मम्मी पढ़ा रही हैं। पूड़ियाँ गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी पूड़ियाँ खाने में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, और तुरंत बन भी जाती है, तो पहले से बनाकर रखने का ज़रूरत भी नहीं होता। जब खाना है बस तुरंत बना लो। और काफ़ी रात हो चुकी थी और डिनर रेडी है। आज के डिनर में है ये सब्जी, पनीर की सब्जी और आलू कटहल की सब्जी और पूड़ियाँ हैं। तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए। कैसा बना है आज का डिनर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, अभी शाम हो चुके हैं और कल का व्लॉग मैंने जहाँ पर ख़त्म किया था उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अभी दूसरे दिन जिस टाइम पे मैंने कल का वीडियो स्टार्ट किया था शाम के टाइम, अभी भी शाम हो चुके हैं, तो मैं आज फिर वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से बोला था कि मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो उससे पहले आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग सेफ है ना? घर पर रहिए आप लोग, और कैसा जा रहा है? आप लोगों का टाइम कैसे बीत रहा है? बच्चों के साथ आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? आप लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घर पर? और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना? आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना? अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखा कीजिए। और जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा जी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आपको अपनी बात बोलने का पूरा राइट होता है, तो इसलिए मैं भी अपनी बात रख रही हूँ। किसी के बारे में कुछ भी बोलने के पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि वो हम क्या बोल रहे हैं। भी मजबूरी हो सकती है, कोई बात हो सकता है, हम लोग सारी बातें तो नहीं जानते हैं ना। किसी की बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो हम लोग नहीं जानते हैं ना। हम लोग किसी के व्लॉग्स कितनी देर देखते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो हम लोग उनको नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग इतना ही थोड़ा सा वीडियो देख के किसी के लाइफ को या किसी को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है रश्मि जी के बारे में इतनी ज़्यादा जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, तो हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरी होंगी। लॉकडाउन हो रखा था, वो भी कहीं फंसी हुई थी, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। और किसी भी बात को कहने का, समझाने का एक अलग अलग तरीका होता है। आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो एक प्यार से बोलना, अच्छे से समझाना और एक टीस मारना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
तो इसलिए किसी को भी कुछ भी किसी भी चीज़ से जज कभी नहीं करना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, किसी को ऐसे ही कुछ भी बुरा भला बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। वो खुद इतनी समझदार हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा व्लॉग देख करके किसी को जज नहीं कर सकते, या हर चीज़ हम लोग नहीं जानते किसी के पर्सनल मैटर में और किसी की फैमिली के बारे में या कुछ भी बोलने के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, कल को मेरे बारे में भी कोई कुछ बोलेगा। तो किसी को समझाने का तरीका अलग होता है और किसी के बारे में कुछ बोलने का तरीका अलग होता है। और किसी की थोड़ी सी वीडियो देख करके आप किसी के फैमिली को या किसी को जज नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी किसी के बारे में उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम लेकर या किसी को बदनाम करके कुछ अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के फैमिली के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई भी अपनी फैमिली के बारे में बुरा नहीं सुन सकता है, तो कभी भी प्लीज़ किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिए, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी वीडियो देख के किसी के फैमिली को या किसी को जज नहीं कर सकते। अब मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरा व्लॉग नहीं देखते तो प्लीज़ देखा कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।